सर मैं लास्ट सैटरडे में यहाँ पे आया था, तो एक जलालाबाद गॉट टैलेंट का कुछ प्रोग्राम चल रहा था जो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। तो इसके पीछे क्या एक रीज़न है कि यहाँ बच्चों में इतना एनर्जी देखने को मिला और सारे एडमिनिस्ट्रेशन उसमें इन्वॉल्व होकर बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, तो इसका रियल रीज़न क्या है ये इस तरीके का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने का? जी सर, रीज़न ये है कि जलालाबाद हमारा छोटा है लेकिन हमारा दिल बड़ा है। ग्रेट। बच्चे को क्या, पढ़ाई तो मेन चीज़ है। ओके। उसके बाद फिर पढ़ाई के बाद थोड़ा लेजर में, थोड़ा माइंड फ्रेश करने में, बच्चे बाहर जाए ना जाए किधर और जाए, इसके बदले में हम ही ये ऑर्गेनाइज करते हैं। जलालाबाद गॉट टैलेंट एक सबसे बड़ा कल्चरल प्रोग्राम होता है इस यूनिवर्सिटी का। ओके। इसमें 3 rounds होते हैं, 4 teams होते हैं और एक दूसरे से कम्पीट करते हैं, उनका टैलेंट्स दिखाते हैं और क्या आगे बढ़ते हैं। और इस बार season 3 है। okay. तो खूबी क्या है कि फर्स्ट टाइम वी हैव गॉन टू इंटर यूनिवर्सिटी, जो ओस्ट से भी यूनिवर्सिटी कम्पीट करते हैं। ग्रेट। तो मतलब ओवरऑल बच्चों का, जैसे कि कल होली फेस्टिवल है तो सभी फेस्टिवल प्रॉपर अच्छे तरीके से मनाए जाते हैं। मैं बच्चों से बात किया तो बोले सर बहुत अच्छा है यहाँ पे, होली, दिवाली, इवन ईद, न्यू ईयर, क्रिसमस, सारा फेस्टिवल जो है बच्चों को यहाँ पे फील नहीं होता कि हम कहीं बाहर आए हैं, इतना अच्छे तरीके से मनाया जाता है। तो ये चीज़ें तो मुझे बच्चों के थ्रू भी रिव्यू मिला है कि जो, जिस चीज़ के लिए मैं आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि जिस तरीके से एटमॉस्फेयर, चाहे स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो, कल्चरल एक्टिविटी हो या किसी तरीके का प्रोग्राम हो, हर तरीके से बच्चों को जो है वो इंगेज किया जाता है। सर ये जो बिल्डिंग जो है इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे, ये क्या चीज़ बन रहा है? सर ये हमारा नया एडिशन है। ओके। ये इसका हम डूइंग गुड हॉस्पिटल बनाने वाले हैं। ग्रेट। क्योंकि मेन फोकस ऑफ एजुकेशन ऑफ मेडिकल इज क्लिनिकल प्रैक्टिस। ग्रेट। पेशेंट एक्सपोजर, तो इधर हमारा, आपको पता है कि हमारा पास पेशेंट जो एक्सपोजर है लिमिटेड होते हैं और बच्चे जाते हैं इंडिया, पाकिस्तान, वापस उनके होम टाउन में, फिर उधर एक्सपोजर लेते हैं। जी। क्यों ना वो एक्स्ट्रा टाइम दे इनको इधर क्लिनिकल पर। इधर डूइंग गुड चैरिटी हॉस्पिटल होगा, एक तो बच्चे के लिए भी आसान हो जाएगा, फिर जो आकर पेशेंट जाएंगे उनको एक्सपोजर हो जाता है, आहिस्ता आहिस्ता क्लिनिकल प्रैक्टिस हम बढ़ा सकते हैं। तो ये एक हाईटेक हॉस्पिटल बनाने का है कि क्या? एक स्टेप बाय स्टेप में फर्स्ट पेशेंट बेच जा जाएंगे, फिर उसके बाद अपग्रेड करते रहेंगे एज द नीड्स कम। एंड इसमें क्या होता है सर, हमेशा आहिस्ता आहिस्ता करते हैं ना सर, तो वी अंडरस्टैंड क्या होना चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है बच्चों। तो ये फंक्शनल कब से हो जाएगा ये? ये इंशाल्लाह या देखेंगे तो शायद जितना स्पेस जा रहा है इस मे के अंदर तो टारगेट है, मतलब 3-4 months में ये फंक्शनल हो जाएगा। तो सर अभी बच्चे जो प्रैक्टिकल क्लासेस के लिए कौन से हॉस्पिटल्स वगैरह में जाते हैं, कहाँ पे हॉस्पिटल्स में जाते हैं, उनको क्या क्लिनिकल एक्सपोजर जो है वो अभी तो क्लिनिकल सब्जेक्ट्स होता है ना सर, तो टीचर्स हमारे लोकल फैकल्टी जो होते हैं उनका हॉस्पिटल में उनका काम होता है, तो वो उधर ही क्लास लेकर उधर ही एक्सपोज करते हैं। ग्रेट ग्रेट। तो जो जो रशियन में बोलते हैं, हमारे लोकल फैकल्टी भी इंग्लिश भी बोलते हैं माशाल्लाह, तो उसमें क्या होता है कि बच्चे का वो एडिशनल एक्सपोजर हो जाते हैं, प्लस जब घर जाते हैं तो यहाँ का जो सेंट्रल, जैसे कि एक इस स्टेट का हेड यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ के जो मेडिकल, जो इस जलालाबाद जो स्टेट है उसका जो हेड हॉस्पिटल होगा, वहाँ पे भी बच्चे जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं, वहाँ पे पॉलीक्लिनिक्स पे जाकर। टोटल कितने हॉस्पिटल्स हैं यहाँ पे? मेन हॉस्पिटल है गोलमाली सर्कल। ओके। फिर उसके बाद बहुत सारे राइट राउंड में पॉलीक्लिनिक्स हैं, तो जब उनका क्लिनिकल प्रैक्टिस आता है ना, हम इधर से इवन 20 किलोमीटर ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कर उनको उधर लेकर एक्सपोज कर आते हैं और प्रैक्टिस देकर। जी, जहाँ तक मेरी बात हुई थी तो जो डिस्कशन हुआ था कि यहाँ पे इंडिया से भी डॉक्टर्स आएंगे और मोस्टली यहाँ पे जो है बच्चों को प्रैक्टिकल क्लासेस, जिस तरीके से प्रैक्टिकल स्किल्स जो सिखाया जाने चाहिए उसके लिए इस हॉस्पिटल का बेटर यूज़ किया जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा होगा कि आप देख सकते हैं कैंपस से ही लगा हुआ ये हॉस्पिटल है और 3-4 months में इसका इनॉग्रेशन होना है। तो इसका जब ये ओपनिंग हो जाएगा तो मैं इसका प्रॉपर एक हम हॉस्पिटल टूर कराएंगे। तो अभी इसको बनने देते हैं, अभी हम आगे देखते हैं कि अभी लास्ट ईयर जब मैं आया था तो बहुत कुछ यहाँ पे था देखने के लिए, बच्चों को दिखाने के लिए ऑलमोस्ट 20 से 25 मिनट का वीडियो बना हुआ था एक कैंपस के अंदर में। तो अभी पुराना क्या क्या चीज़ें यहाँ पर है वो आप मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हैं। तो हम लास्ट ईयर जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे भेजे थे, तो अभी हम लोगों सभी स्टूडेंट को एक लेक्चर हॉल में बैठाए हैं, तो अभी हम जाते हैं उनसे मिलते हैं कि वो
किस तरीके का उनका अनुभव है, कैसा है, क्या है। तो अभी हम जाते हैं और देखते हैं। ऑलरेडी गुड इवनिंग, ये हमारे डॉक्टर नीलेश पाटिल जी हैं, एनटी पाटिल एजुकेशन कंसल्टेंसी महाराष्ट्र से। और महाराष्ट्र के जितने भी बच्चे हैं उनका केयर यहाँ पे बच्चों को करते हैं। तो अभी सर बच्चों के साथ में मिलके बच्चों को बेसिकली हम जानते हैं कि क्या इनको प्रॉब्लम हो रहा है, और हमारा जो एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे क्या बच्चों को करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में हम एक शॉर्ट ब्रीफिंग देते हैं। तो ये एक तरीके का हमारा हर साल का इवेंट रहता है। तो कैसा महसूस कर रहे हो अभी सब लोग? तो आवाज़ नहीं आ रहा, जलालाबाद में आके खुश हो कि बहुत खुश हो? वीडियो में नाम ठीक है। तो यहाँ पे अभी नीलेश सर आप बच्चों को समझाइए, फिर मैं वीडियो शूट करके आता हूँ, फिर हम आगे बात करते हैं। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं।